तो देखिए, राजस्थान में आज नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। दोपहर 1 बजे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो विधायकों से मुलाकात करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे, और शाम 4 बजे का वो वक्त होगा जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में ही नए विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। हालांकि इससे पहले वसुंधरा राजे के घर पर हलचल तेज हो गई है। विधायक दल की बैठक से पहले ये हलचल हुई है, कई विधायक वहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। वसुंधरा राजे के आवास पर शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ और प्रताप सिंह सिंह भी मौजूद हैं। गोपाल शर्मा भी वसुंधरा राजे से मुलाकात करके लौटे हैं। तो राजस्थान के अंदर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर विधायक दल की बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। और आज जयपुर के अंदर हलचल है, जयपुर पहुंचेंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक, उसके बाद 1 बजे उनकी मुलाकात होगी विधायकों से, विधायकों से वो चर्चा करेंगे, मशवरा करेंगे, और शाम 4 बजे का वो वक्त होगा जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। और ऐसे में वसुंधरा राजे के घर पर भी हलचल तेज हुई है। वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए कुछ विधायक पहुंचे हैं। चेहरा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, क्या राजस्थान में भी नया चेहरा होगा, इसी को लेकर आज ये हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, ये तकरीबन 5 बजे के आसपास पता लग ही जाएगा। लेकिन फिलहाल वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल बेहद तेज है। 4 विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। वसुंधरा राजे के कैंप से जुड़े हुए या फिर वसुंधरा राजे के नजदीक नेता है वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। इस सवाल का जवाब बेहद ही दिलचस्प है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से 4 बजे विधायक दल की बैठक है और विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो निश्चित तौर पर सवाल यही है कि राजस्थान का अगला नया मुख्यमंत्री कौन। जी, तो राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सियासी हलचल तेज है। और आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय विधायक दल के नए नेता चुने गए हैं, उनका निर्वाचन हुआ है और कल दोपहर वो भी शपथ लेंगे। साथ ही मोहन यादव की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सियासी हलचल हुई है। 3 दिसंबर को आए नतीजों के बाद अब मुख्यमंत्री के नामों को तय करने का सिलसिला लगातार जारी है। और देखिए, ये 3 तस्वीरें हैं जिसमें से एक तस्वीर अभी खाली है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री होंगे, ये तय हो चुका है। साथ ही मोहन यादव मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री होंगे, ये भी तय हो चुका है। लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये अभी तय होना बाकी है। और राजस्थान के अंदर नया मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, इसको लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हलचल है, इसको जानने के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ में, रवि त्रिपाठी, रविंद्र कुमार, शशि मोहन शर्मा और इसके साथ साथ अंकुर त्यागी। सबसे पहले मैं अंकुर आपका रुख करना चाहूंगा, वहां पर हलचल तेज है लगातार, जिस तरीके से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये बीजेपी का जो कार्यालय है जयपुर के अंदर, आज यहां पर क्या कुछ होना है, किस तरीके से आयोजन की तैयारियां की गई हैं? देखिए, तकरीबन 4 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ होना है। मैं पहले कैमरामैन से आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। पहले रोड पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई है बीजेपी ऑफिस के सामने की, कोई आवाजाही नहीं है। जो कार्यकर्ता हैं उनको बाहर ही रहने के लिए बोला गया है फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़ना शुरू हो गए हैं। पुलिस दल की अतिरिक्त तैनाती यहाँ पर कर दी गई है और सिर्फ VIP जो एंट्री है उसको यहाँ परमिशन है। जो विधायक आएंगे उनको यहाँ परमिशन होगी। पूरा जो ऑफिस है उसको इस वक्त यहां पर भगवा रंग में रंग दिया गया है, पूरी बिल्कुल वैसे। अंदर की मैं बात करूं, कटआउट्स लगाए गए हैं, 2 तरह के कटआउट्स पे खासा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। पहला, सुप्रीम कोर्ट का 370 को लेकर जो कल स्टे जो अपना फैसला आया है उसको वहां पर जगह दी गई है। और दूसरा, 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है जिसमें बड़े बड़े प्रधानमंत्री सर के तमाम लोग आने वाले हैं, उसको भी वहां पर जगह दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के जो भाषण है वो है। इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच बिल्कुल जाहिर तौर पर इसे अनुशासन की उपलब्धि के तौर पर भी दिखाने की कोशिश बीजेपी की होगी। विधायक दल की बैठक की तैयारियां आप दिखा रहे हैं अंकुर त्यागी, आप बने रहिए हमारे साथ में। रविंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र, अगर इन नामों की बात की जाए तो क्या यह माना जाए कि यह केंद्र के निर्देश पर तय हुए नाम है और आज भी कोई ना कोई लिफाफा, कोई ना कोई नाम लेकर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक वो गए होंगे वहां पर?
बिल्कुल देखिए, विधायकों की पसंद मोहनलाल यादव तो नहीं हो सकते थे, विधायकों की पसंद विष्णुदेव साय तो नहीं हो सकते थे। विष्णुदेव साय फिर भी काफ़ी वरिष्ठ हैं, लेकिन मोहनलाल यादव तो इतने वरिष्ठ भी नहीं थे, इतने पॉपुलर भी नहीं थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो जाहिर सी बात है, रविंद्र कुमार और खुद उन्होंने जब कैबिनेट के सामने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि वो तो पीछे की कतार में बैठे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन आप जवाब पूरा करें उससे पहले मैं जरा ये ग्राफिक्स बता दूं कि देखिए किस तरीके से ये जो चार महिलाएं हैं ये प्रमुख नाम इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में महिला वोटर प्रमुखता से बीजेपी के साथ आई हैं और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था। और ऐसे में माना जा रहा है कि अनीता भदेल, सिद्धि कुमारी, दीप्ति किरण माहेश्वरी और दिया कुमारी ये वो नाम हो सकते हैं जो कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर इन पर निशान लग सकता है। हालांकि अभी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि आज बैठक बुलाई गई है और इससे पहले जयपुर के अंदर हलचल तेज है।